अगर आपको ये डाउट है कि KGF चैप्टर 2 चैप्टर 1 से अच्छी नहीं होगी तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। ये धमाल फिल्म सीरीज थोड़ी ना है। ओके, सड़े हुए जोक्स को मैं ख़त्म करता हूँ। आप स्पॉइलर्स की चिंता करे बिना ये रिव्यू आराम से देखिए। अगर आपको KGF चैप्टर 1 मूवी पसंद आई है तो मैं आपको यही कहूँगा कि चैप्टर 2 उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है इंडियन सिनेमा की। मैं तो यही कहूँगा कि आप ये मूवी को जाने मत दो, जितनी जल्दी हो सके थिएटर में देखाओ। किसी ने कहा था मुझसे, KGF मूवी नहीं एक इमोशन है। मैं इस बात से 100% अग्री करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको ये मूवी देखनी चाहिए। इसकी स्टोरी, एक्टिंग, कैरेक्टर्स, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से। बात करें स्टोरी की तो ये मूवी की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां से KGF चैप्टर 1 ख़त्म हुआ था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एक बार और इस मूवी को देख लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको चैप्टर 2 को। अगर आपको पहली मूवी याद है तो आपको पता ही होगा कि कैसे रॉकी मुंबई की गलियों से निकलकर KGF हासिल करना चाहता था और वो गरुड़ा को मारकर हासिल कर भी लेता है, लेकिन उसके बाद वो KGF को कैसे कंट्रोल करता है वो चैप्टर 2 में दिखाया है। चैप्टर 1 को आप रॉकी की ओरिजिन स्टोरी कह सकते हो जिसमें वो KGF जीतने निकलता है। चैप्टर 2 में वो जीतने के बाद कैसे राज करता है वो दिखाया है। एक्टिंग की बात करें तो इस मूवी में आपको कई नए चेहरे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनके कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। आपको यह नहीं लगेगा कि अचानक से मूवी में टपक पड़े। सभी एक्टर्स ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में इस मूवी ने चैप्टर 1 से भी अच्छा काम किया है। इस मूवी में कैरेक्टर्स को डेप्थ दी गई है ताकि आप उनको समझ सको। सिनेमेटोग्राफी पे आए तो ये मूवी बड़े ही आराम से पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पीछे छोड़ देती है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील सर और सिनेमेटोग्राफर भुवन गोवड़ा सर ने जो जादू दिखाया है इस फिल्म में, मतलब कि हर एक सीन के फ्रेमवर्क से लेके इसकी कलर पैलेट तक जो एक मूड बनाती है ये मूवी देखने का, उसकी मैं क्या ही तारीफ करूँ। मतलब कि लाजवाब। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो इस मूवी ने इस फील्ड में इंडियन सिनेमा की हर एक फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। मतलब कि इतना अच्छा है कि हर एक सीन में जान डाल दी है। कुछ सीन्स में तो मूवी देखने के टाइम मुझे गूसबम्स आ गए थे। इस मूवी की तारीफ करते मैं थकूंगा नहीं। जो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया उसकी बात करूँ तो कुछ सीन्स में जो कुछ दिखाते हैं उसका कोई सेंस नहीं बनता है। मैं एक्शन सीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन उनके अलावा कुछ सीन है उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको ये मूवी देखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। क्या ये पैसा वसूल फिल्म है? 100%। जितना जल्दी हो सके देखाए। इस मूवी को देखने जाने में अगर आपका दोस्त नहीं मान रहा है तो आप ये वीडियो उसको शेयर कीजिए ताकि वो समझ सके कि क्यों इस मूवी को मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए।